अपना आप यहाँ थाने के SHO सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं, ये बताएं कि 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है तो भी लोग रोड पे नज़र आ रहे हैं, अपराध तरफ नज़र आ रहे हैं, क्या है कार्रवाई, क्या कर रहे हैं आप? कुछ लोग तो अपने आवश्यक सेवाओं में आ रहे हैं, बीमार हैं उनको दिखाने हैं, जो ऐसे घूम रहे हैं उनके बैठा के उनकी कार्रवाई की जा रही है, उनके लॉकडाउन का उल्लंघन मामला दर्ज किया जा रहा है, साथ ही जो बिना मास्क घूम रहे हैं उनसे जुर्माना लिया जा रहा है और उसको उनको बताया जा रहा है। पहले मास्क बांटे गए, लोगों से समझाया गया लेकिन लोग नहीं माने, तो अब कार्रवाई की जा रही है। जैसे आपने बताया आवश्यक कार्रवाई, आवश्यक सामान के लिए तो सुबह DM ने 6 से 10 सब्जी, 10 से 2 दवा की दुकान, दूध सब कर, उसके बाद क्या आवश्यक सामान? नहीं, 6 से 10 सब्जी वाले तो बंद हो गई है, अब दवा की दुकानें हैं कुछ, तो जिनको दवा का आवश्यकता है तो मालूम कर लेते हैं, दवा है, पुराना पुर्जा ले घूम रहे हैं तो फर्जी घूम रहे हैं, जो करंट जो पुराने ले घूम रहा है उस कार्रवाई की जा रही है, जिसका जेन्युइन लग रहा है उसको छोड़ा जा रहा है। अभी मैंने सुबह से देखा है लोगों को कि बहुत लोग ऐसे मिले हैं जिनको कोई काम नहीं है और दवा की पर्ची लेके या कुछ और बहाना बना के रोड पर ट्रैफिक करते नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों की कार्रवाई की जा रही है, देखिए बैठे हैं आपके सामने ही लोग, इस समय 188 कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने लोगों की कार्रवाई हुई है? 6 लोग 188 हो गया, लगभग 3-4 स्थानों चेकिंग चल रही है, 60-70 लोग हम लोग चलान को किए हैं बिना मास्क में, जो बिना मास्क घूम रहे हैं या जो तफरी काट रहे हैं। और कितने चलाने हुई होंगी? अब तो जोड़ना मुश्किल है, 4 जगह चेकिंग चल रही है, शाम को सब पूरी सूचना मिल पाएगी। रोज़ लगभग 200 आदमियों को हम लोग कर रहे हैं, 200 से 250 आदमियों को।